या यावर साम्राज्य, या यावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीक हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि या यावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथी परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचों में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूमिगत प्रदेश में सुचारू रूप से प्रशासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो सक जाती हैं, क्योंकि वे किसी बंधे बधाए सोच से उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया जो अरब प्रायद्वीप के बदू यावर परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में हम एक विभिन्न वर्ग के यावरों का अध्ययन किया गया है। ये हैं मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी के महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के यावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों में संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ता। अपना यावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस या साम्राज्य की यूरोशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संचालन को हमेशा के लिए बदल डाला। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपनी कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों के यावरों के जीवन संबंधी सूचनाओं ज्ञात अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की सामाजिक सफलता ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभव और यात्रा वृत्तांत लिखे। अन्य मंगोली अधिपतियों के राजस्व में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग थलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्की और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इस विषय में सहानुभूति परक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियां भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशियों पर डाल दिया जाता था। इस सब से मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई। अंततः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिसमें सामान्यतः अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिसे ढंग से यावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संभवतः मंगोलों के सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वान
ने उस काल में किया जब जार शासक मधेश या क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें सैन्य यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुरातत्वविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्राचीन उत्पादी प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है, जिसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तित हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था से उस ना सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस योको वाले विच ब्लडीमार बोरिस ओकुलच ब्लडीमार स्टो जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वानों वैसिली प्लेदिमिरोविच बार्टोल्ड वैसिली प्लेदिमिरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में असंचालित राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूति परक विवरण के अभिवेचन सेंसरस केरोस का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार और कठोरता पूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उत्तर उदारवादी कुछ चे युग के दौरान और उसके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पर महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं वे उनके भाषाओं में रचे गए हैं। उनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोल, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्री हमें इतावली, लैटिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में मिलती है। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ तो अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए चंगेज खान के विषय में प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूटोबियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास जो मंगोलों और चीन भाषा में मिलते हैं एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार के यात्रा वृत्तांत जो कि इटावली और लैटिन भाषा में उपलब्ध है वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते, चूंकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी संस्कृति वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज्यादातर लिखा है। अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं को जिन वाक्यांश का प्रयोग हुआ उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वाडगमीमांसक फिलोसोफिस्टिक की भूमिका अदा करनी पड़ी है। इगोर द रेखविल्स इगोर डी रिचेविल्स मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गारे हार्स डोफर्स जिन्होंने ऐसी मंगोलों और तुर्की शब्दावली का पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई, जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाई को उजागर करती है। हम इस अध्याय में आगे देखेंगे कि चंगेज खान और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी कुछ बहुत कुछ छानबीन करनी बाकी है। भूमिका 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशिया महाद्वीप के महान साम्राज्य के मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेशों में एक नई राजनीतिक शक्ति के अद्भुत के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खान मृत्यु 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मानचित्र एक में मंगोल साम्राज्य यूरोप मस्को रूसी सामंत देश मंगोलिया मंगोल साम्राज्य काराकोरम हगाजाओ
चीन, तुर्फान, तिब्बत, गुआंगजाओ, बर्मा, हिमालय पर्वत श्रृंखला, बंगाल की खाड़ी, भारत, दिल्ली, हिंद महासागर, नीचे अरब सागर, अरब लाल सागर, इधर फारस की खाड़ी, फारस, ओ मरजू और मुझ, बगदाद, भूमध्य सागर, बाइजेंटाइन साम्राज्य, काला सागर, यूरोप में मस्को के नीचे रूसी सामंत में कैस्पियन सागर पर, मर्म, निशापुर, हिरात, बल्ख, समरकंद, बुखरा, ताशगंज, तुरफाना और काकारा, ये सब मंगोलों के शासन में रहा। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोलों जाति का एक महासंघ मात्र बनने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से भी से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोलो जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न जैसे क्षेत्र उत्तरी चीन, तुआर, ट्रांस ओक्सी आना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बिताया। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोन के 1291-1260 के ने फ्रांस के शासक लुई नौवें को 1226-1270 को यह चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खान स्वर्ग पुत्र। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक अनिदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करें करते हुए यह ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज खान के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियान में रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग पूर्व मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज खान की आबादी दुनिया पर विजय, ईश्वर का गुस्सा और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। बुखरा पर कब्जा परिवर्तित 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासक के एक फारसी वृत्तकार जुवैनी ने 1220 में बुखरा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवैनी के कथा अनुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझे से पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रणाम है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखरा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वे नगर आए दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूट और चल दिया क्रियाकलाप एक। यदि यह मान ले कि जुवैनी का बुखारा पर कब्जे का वृत्तांत सही है तो कल्पना करें कि आप बुखारा और खुरासान के निवासी हैं और ऐसे भाषण सुन रहे हैं तो आप उस भाषण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त
थी, तब मंगोल ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया? ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्रों में बसे हुए विविध सामाजिक और धार्मिक समुदाय के साथ किस तरह संबंध रखा होगा? उसकी राजसत्ता इम्पेरियर के विकास में इस बहुविविधता प्लुरिटी का क्या हुआ? जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किनके साथ थे और उनके पास समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातर, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिमी में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़े, भेड़ और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावीकरण मध्य एशिया की चरण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसे ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिम भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थी, दक्षिण भाग में शुष्क गोभी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और बर्फीली पहाड़ियां से निकलने सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशु चारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकारी अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते। ये चित्र है, ओनन मैदान, नदी के मैदान में बाढ़ का इलाका दिखाया गया है। थे वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इससे पूर्व क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अब अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाया। मंगोलों तंबुओं और जारों जर्स में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवासी स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों के एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही ये क्षेत्रफल में समान थे और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। नि जाति और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़े रखता था, पर उपलब्धि आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनके समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे। उनके पास अधिकांश पशु संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदा जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकारी सामग्री और अन्य भंडारण में रखी गई सामग्री समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर, घास के मैदान के सूख जाने पर उन चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूट पाट भी करते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्रायः बहुत छोटे और अल्पकालीन होते थे। मंगोल
और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। यहाँ पे यद्यपि या वरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु नीचे नीचे परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। सिउंग नू 200 ईसा पूर्व, तुर्क जुआन 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 400 ईसा पूर्व, मंगोल इफ थैलेट हुन्स 400 ईसा पूर्व, मंगोल तुचे तुचे 550, तुर्क उईगुर 740, तुर्क खितान मंगोल 940। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी अस्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों के उन्नत शास्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने अपने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय आवासों स्थानबद्ध समाजों सेडेंटरी सोसाइटी का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल भिन्न थे। यद्यपि यावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे सर, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से और अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यावरों को व्यापार और वस्तुओं विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरण को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्त रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी-कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर भी नहीं पर होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीन लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन समीपवर्ती झड़पों से अस्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि की अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर यावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यावरों से विभिन्न शासनकालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों को का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढंग के रूप में किया गया, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाज पर यावरों द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपे अस्थिरता और भय का यह एक प्रभावशाली चाशुच्छास्य है। ये चीन की दीवार चित्र में दिखाई गई है, चीन की महान दीवार। चंगेज खान का जीवन पित्र। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलियों के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येसु जेई था, जो कियायत कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोरजीगिद कुल से संबंधित था। इसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलुइन इके ने तेमुजीन और उसके सगे तथा सौतेले भाई का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 के दशक तक पिपरियायों से भरा था। तेमुजीन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोरेट का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया।
गया और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। भी पति के इन वर्षों में भी वह अपने मित्र बनाने में कामयाब रहा। नव युवक बेगुरुचु उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई अंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तेमुजीन ने कराइट लोगों के शासक व अपने पिता की वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंगे खान के साथ पुराने रिश्ते को पुनर्स्थापित की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशक में तेमुजीन ओंगे खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजीन में काफी आत्मविश्वास आ गया और अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार केराइट और खुद ओंग खान जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदार की एक सभा कुरिल ताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक क्वीन या ग्रेट खान घोषित किया गया। 1206 में कुरिल ताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति निम्नलिखित अनुभागों को देखे के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उसे समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बत मूल के सी आ लोग चर जेन लोग के चीन राजवंश, जो पेकिंग से उत्तर चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। सुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिण चीन था। 1209 में सी आ लोग प्रशस्त हो गए। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूट टा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसीलिए उसे क्षेत्र के सैनिक अपने मामलों अपने अधीनस्थ को देख रेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। 1218 में क्वाराकिता की पराजय के बाद, जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तीएन शान की पहाड़ी को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य दरिया तुरान और ख्वाजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वाजम का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना, जब उसने मंगोल दूत का वध कर दिया। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियान के बड़े नगरों ओटार, बुखरा, समरकंद, कलक, गुरगंज, मरवे, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंसक कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इसी तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध राजकुमार की हत्या के लिए एक को उग्र रूप देने के लिए ऐसे संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उसने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी मंगोल द्वारा किए गए विनाशक का अकाल। चंगेज खान के अभियान के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत हैं कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया उन पर अधिकार जमाने के लिए वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिए। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली थी। 1220 में निशापुर आधिपत्य करने में
17,47,000 जबकि 1222 ईस्वी हिरात में अधिपत्य करने में कुल 16 लाख और 1298 में बगदाद पर अधिपत्य करने में लगभग 8 लाख लोगों का वध किया गया। छोटे नगरों के सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बैहाक जिले में 70,000 और कुहिस्तान प्रांत के तुन नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मध्यकालीन इतिवृत्तकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इलखानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने बताया कि मरु में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख 100 प्रतिदिन गिने जाते थे। सम्मुख पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकारों द्वारा बर्बरों का कल्पित चित्र दिया गया है। तुगड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलाउद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तर भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असहाय गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई तथा उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन की अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना के गति प्रदान की थी। घोड़ों पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं की आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़नसारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनके सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेशों के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिनसे वह उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यावर लोग अपने परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र, सिंग इंजन और नेपथा बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। इसके इंजीनियरों ने उसके शत्रु के विरुद्ध अभियानों का इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। लगभग 1167 में तेमुजीन का जन्म हुआ। 1160 और 70 के दशक में दासता और संघर्ष का वर्ष रहा। 1180 से 90 के दशक में संधि संबंधों का काल रहा और 1203 से 1227 में विस्तार और विजय। 1206 में तेमुजीन का चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु। 1227 से 41 में चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल। 1227 से 60 में 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 1236 से 42 में बाटू की अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1246 से 49 में ओगोदेई के पुत्र गुयुक का काल। 1251 से 60 में मोको चंगेज खान के पौत्र और तुलु के पुत्र का काल। 1235 से 55 में मोको के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। 1257 से 67 बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल। सुनहरा गिरोह गोल्डन हेरेड का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः वृत्तांत होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम के निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्स और मिस्र देशों के मैत्री का प्रारंभ। ये चित्र में दिखाए गए हैं। 1228 बगदाद पर
अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत मोंके के छोटे भाई हुलेगु के अधीन ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना, जो जिद और इलखान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कबुलाई खान कुबलाई का राजरोहण, चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष, मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त, तोलुई चघताई और जोची ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलुइद में मिल गए। तोलुइद चीन का युआन वंश और ईरान का इल खाली राज्य चघताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र के तुर्कमेनिस्तान में रूसी स्टेपी क्षेत्र में जो चिद वंश थे, उनके पर्यवेक्षक गोल्डन हॉर्स के नाम से वर्णन करते थे। 1295 से 1304 में ईरान में इल खानी शासक गजन शासक का शासन काल। उसके बौद्ध धर्म में इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल खानी सरदारों का धर्मांतरण होने लगा। 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत, 1370 से 1405 में तैमूर का शासन वर्ष लास दुर्ग के होते हुए उन्हें चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंश बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज्य चगताई और जोची राज्य के कुछ हिस्से चीन को छोड़कर को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरेगेन शाही दामाद की उपाधि से भूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 में से 1530 जहुरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहां से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1500 में जोची के घनिष्ठ पुत्र सीबान का वंशज सायबानी खान द्वारा तुरान पर अधिपत्य, तुरान में सायबानी सत्ता, सायबानियों को उज्बेगों भी कहा जाता है, उनके नाम से ही वर्तमान उज्बेकिस्तान का नाम पड़ा, जो सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशज को खदेड़ दिया। 1759 में चीन के मचुओं ने मंगोलियों पर विजय प्राप्त कर ली। 1921 में मंगोलिया का गणराज्य चंगेज खान के उपरांत मंगोल। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था। इस दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुलघार की पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा। इसमें समस्त चीन 1279 इराक ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त की। इस अभियान के पश्चात साम्राज्य की परिसीमा में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशक में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपराय का सामना करना पड़ा। ये परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप में एवं मित्र मंगोलों सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्रों से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहले, मंगोल परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश को तोलुइद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मौके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किया गए, परंतु
1260 के दशक में तोलुई के वंशज ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्री को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिमी की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों के का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकत्रित किया। ये विरोधाभास है कि सबसे पहले सफलताओं को प्राप्त करने के शासक समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजह से उन्हें प्रगति में बाधाएं भी आई। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन मंगोलों और अन्य अनेक यावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेनाएं बनती थी। विभिन्न मंगोलों जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना के नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदी समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता की स्वच्छता से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोगों सम्मिलित थे। के राइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान उन विभिन्न जाति समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से निपटाने की कुल कृतिक संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्र के पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई जो 10,000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल क्लैन कबीले ट्राइबल और सैनिक दशमलव इकाई का एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उसके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस वक्त को जो अपने अधिकारियों से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों तुमन की थी जिसमें अनेक कबीले और कुल के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकत्रित कर इसके जनक चंगेज खान ने इस सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके चारों पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नेयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को अंडा सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो अंडा से निम्न श्रेणियों के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभर अभिजात वर्ग के अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्तों से प्राप्त की। नवीन श्रेणी हेरिची में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने चार पुत्रों को सौंप दिया। उससे उलुस का गठन हुआ। उलुस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयियों
और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, और उसकी जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी, उसके सबसे छोटे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलसू निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे वह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगुदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तो लो ए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर एक साम्राज्य का शासन करेंगे, और इसे ध्यान से रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां तमा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात कर रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद किरीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह, भूमि और उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्माण सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ये चित्र में मांके, कुबलाई, हालाकू, अरिबाके, गोमुख, बरके, बातु, तलुई, ओगदेई और चगताई जोची मंगोल वंश के बेटे, ये चंगेज के लड़के थे। बहुविवाही चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चार पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सुरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातुक के अगुगुदेई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तलुई परिवार के हाथों में आ गई, जिससे मौके और कुबलई के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। तलुई बरके और आरिक बुक्के की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। घृणित नामी शूरवीर खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। मुड़े हुए सिरों, ये सब एक वृक्ष की तरह ये सारे दिखाए गए हैं। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीला हरकरा पद्धति अपना रखी थी, जिसमें राज्य के दूर दराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ व बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल या यावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं की दसवां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इस उगाही लेवी को यावर लोग अपनी स्वेच्छता से प्रदान करते थे, जिसे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति यामा में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या ये मरुस्थल उस ओर फैलने लगा। वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग
तक समस्त लोगों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों कनात का भी नियमित रूप से मरम्मत करना संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिकी विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उबर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तो यूरोप और चीन के भूभाग पारस्परिक संबंध हो गए थे। मंगोल विजित पैक्स मंगोलिका के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारी मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोली तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में फैजा और मंगोल भाषा में जोरेज जारी किए जाते थे, इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते थे। मानचित्र 2 में मंगोलों के अभियान दिखाए गए हैं। यूरोप यहाँ काराकोरम से स्टार्ट हुआ। तूफान हांगजाओ महान खान का साम्राज्य, गोपीज बर्मा, बंगाल की खाड़ी, भारत, हिमालय, तिब्बत, दिल्ली सल्तनत, हिंद महासागर, अरब सागर, इधर इलखान साम्राज्य, ओ मुर्ज, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, दमिश्क, भूमध्य सागर, काला सागर, बगदाद, निशापुर, हिरात, बलखात सल्तनत हो गया, समरकंद, बुखारा, ताशगंद, चगताई साम्राज्य, तूफान, गोल्डन हॉर्ड का खानेत, मस्को, यूरोप सबसे ऊपर। लाल तीर वाले चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य अनीला तीर वाले 1259 के पश्चात मंगोल अभियानों में रेशम मार्ग की दिशा दिखाई गई। क्रियाकलाप 2, रेशम मार्ग के क्षेत्रों को देखिए और उन वस्तुओं पर भी गौर कीजिए जो कि उस रास्ते से में यात्रा करते हुए व्यापारियों को उपलब्ध होती थी। इस मानचित्र में मंगोल शक्ति के चरमोत्कर्ष काल के दौरान का एक अंतिम पूर्वी बिंदु अंकित नहीं है जिसमें रेशम का मार्ग गुजरता था। क्या आप इससे उस नगर को दिखा सकते हैं जो यहाँ अंकित नहीं है? क्या ये 12वीं शताब्दी में रेशम मार्ग पर हो सकता था? अगर नहीं तो क्यों? 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य के यावरों और स्थानबद्ध समुदायों के विरोध कम होते गए। उदाहरण 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तर चीन में चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं ने के एक क्रूर वर्ग के दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जब चंगेज खान का पोता कुबलई खान मृत्यु 1294, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान मृत्यु 1304, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य की स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य और स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। ये क्रियाकलाप 3, पशु चारकों और किसानों को स्वार्थ में संघर्ष का क्या कारण था? क्या चंगेज खान खानाबदोश कमांडरों को देने वाले भाषण में इस तरह की भावनाओं को शामिल करता था? गजन खान का भाषण। गजन खान 1295 से 1304 में पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोली तुर्की यावरों सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदु
दीन ने लिखा था कि और जिस मंत्री के पात्रों में शामिल किया गया था, मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूट लेते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझाना आवश्यक है। चंगेज खान के शासनकाल में ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नगरी प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती करा लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसा चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाले खानाबदोश की लूटमार की धार कम हो गई। मंगोल शासक का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री येलू चुटसाई ने अगो देई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जू वैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी में उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इस तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए यह भाषण भी इस समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने के बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवासी स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे, धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाह भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने युवान और इलखानी वंशजों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह गोल्डन हेरेड का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज्य किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज्य किया, जिस आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन हार्ट के स्टेपी निवासियों में यावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बंट जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं को सचमंजस में बदलाव बदलाव आना। स्पष्ट यह सब एक कुल के सदस्य के परस्पर प्रति स्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी का एक शाखा टाली इर्द ने अपने पारिवारिक मतभेद का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिए। बहुत हद तक यह बस सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती के करने करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी कोई नहीं छोड़ गया। इल खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के
आखिरी में फारसी इतिहासविद में महान खानों द्वारा की गई रक्तांजलि हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दी गई। उदाहरण के लिए एक जसमदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इलखानी इतिहास वितर में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किलों पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसलील बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदला गया और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदलते हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज खान ने किया था। डेविड ऑनलाइन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य वह नियमित संहिता के बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी। उनका जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता था जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके अधिकारियों के प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यास्क्यू लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञाप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यासक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनिमयों से है, जैसे अखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किस तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया, इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाली परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसी विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपना साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। उन्होंने उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, परंतु उसे चंगेज खान की विधि सहित कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों का निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने काफी हद तक स्थान बद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी काबिलियाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों पर उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। क्रियाकलाप 4, क्या इन 4 शताब्दियों में यास का अर्थ बदल गया जिसने चंगेज खान को अब्दुल्ला खान से अलग कर दिया। हाफिज दानिश के अनुसार अब्दुल्ला खान ने मुसलमान उत्सव मैदान में किए गए धार्मिक अनुपालन के संबंध में चंगेज खान के यास का उल्लेख क्यों किया है। यास 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमानों निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की।
उसने उनकी उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूसरे के वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उस उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज ए तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म प्रायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया है और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की है कि यह चंगेज खान के इतिहास के अनुसार था। निष्कर्ष: चंगेज खान और मंगोल का विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है कि जैसे कि एक विजेता नगर को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपिक के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोल के लिए चंगेज खान अब तक सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिसने वनिस के मार्को पोलो की तरह दूर की यात्रा आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य की तरह पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए जिसने विधियों विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन बौद्ध ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत कभी नहीं थोपे। मंगोलीय शासक ने सब जाति और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासन और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुत जातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक तथा जिसको अपने बहुविधि संविधान का कोई भय नहीं था, यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों जैसे कि भारत में मुगल शासकों की के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। मंगोल और किसी भी यावर शासक प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत है जिसमें साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरणों में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान की वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्रता संपूर्णता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलियों एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रहा। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोली के इतिहास के इस निर्णायक समय में चंगेज खान एक बार फिर मंगोलियों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र के को भविष्य की ओर ले जाएगा। ये चित्र में मंगोलों का चित्र है, ये ऊपर राजा बैठा हुआ दिखाया गया है। मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा असिद अली दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया। 14वीं शताब्दी
का एक लघु चित्र दिखाया गया है। इसके बाद ये चित्र है कुबलाई खान और चाबी शिविर में।